हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टचिंग मदरहुड। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि 1 मंथ के एक्टिविटी में क्या क्या किया जाता है, थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाएं। बट योग को पढ़ाते पढ़ाते वीडियोस क्लिक करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मैंने वीडियो शूट करना छोड़ दिया। बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि एक एक एक्टिविटी वो लोग किस तरीके से कराते हैं, या एक दिन में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। और मेरे पास कुछ मटेरियल्स हैं जो योग ने ऑलरेडी एक्टिविटीज़ की है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डे 1 में आप लोगों ने देखा ही होगा को कि उन लोग ने ऐसे इस तरीके से प्रॉप्स दिए थे जो बच्चों को अपने हेड पे और हैंड्स पे टाई करने थे, और उसके बाद उन्होंने प्रिटेंड एंड प्ले किया था एज इफ दे आर अ जंगल बॉय। उसके बाद जो सेकेंड एक्टिविटी सेम डे हुई थी वो थी इसमें उन्हें ट्री बनाना था। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्डबोर्ड ग्रीन कलर एंड ये ब्राउन कलर का ले आ सकते हैं और ऐसे उसका ट्री बना के फिर उसके ऊपर उन्होंने ये एलिफेंट्स, जिराफ, सारे बहुत सारे एनिमल्स के स्टिकर्स जो उन्होंने साथ में दिए थे वो स्टिक किए थे, और पूरा जंगल एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट करवाया था। दिस वॉज डे 1 एक्टिविटी। गाइज, यहाँ पे मुझे लिटरली याद नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी कौन से दिन पे हुई थी, तो मैं आपको सिर्फ एक्टिविटीज़ बताती हूँ, उसके बाद थोड़ा डिटेल में बताऊँगी कि आप ये घर पे एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अपने बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक इस तरीके का पपेट दिया था जिसके साथ ये बीक था। बीक आपको क्रिएट करना होता है और फिर इस तरीके से वुड पैकर बनाना होता है। वुड पेकर बनाने के बाद उन्होंने एक वुड का ट्री भी दिया था जिसके अंदर बच्चों को इसमें फिंगर डाल के इस तरीके से वुड पेकर का इमिटेट करना था कि वुड पेकर किस तरीके से वुड में होल करते हैं। नेक्स्ट डे ये एक्टिविटी थी कि ये स्ट्रिंग आपको एक चेयर पे या एक कोई दो खिल्ली के छोरों पे बांधना है। उसके बाद ऐसे 5 मंकी सेट्स दिए हुए थे और इन 5 मंकीज़ को आपको इस पे हैंग करना है, और बच्चे एक क्रोकोडाइल और मंकी का स्टोरी टीचर सुनाते हैं और उसे पूरा सेटअप कर। ये वुड पेकर का वुडन सेटअप था, कुछ इस तरीके का उन्होंने ट्री बनवाया था और इसमें होल्स थे जिसमें बच्चों को इस तरीके से वुड पेकर को होल्स करने। 5 मंकी के साथ ये स्टोरी बुक दी गई थी और ये 5 मंकी दिए गए थे, और ये फर्स्ट सेशन बच्चों को स्टोरी सुनाया गया था। उसके बाद ये स्टोरी को प्ले किया गया। दैट वाज अ डिफरेंट सेशन, जो स्टोरी सेशन होता है वो डिफरेंट था, और उसके बाद बच्चों को ये अलग से स्टोरी दूसरा सुनाया गया था जिसके अंदर एक क्रोकोडाइल पपेट भी दिया गया था। इट वॉज वेरी नाइस सेशन, बच्चे बहुत ही इन्जॉय करते हैं। बट अगर आप घर पे ये सारी चीज़ें नहीं मंगवा सकते या अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं या समझो उनके कुछ एनिमल्स सेट है, तो आप उसमें से भी ऐसी कुछ स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो और बच्चे काफ़ी इन्जॉय। उसके बाद नेक्स्ट था ये पज़ल, ये पूरा पज़ल था और बच्चे को इस तरीके से उससे ज्वाइन करना था। हर पज़ल में 2 एनिमल के हाफ हाफ पार्ट्स थे जिसका सेकेंड पार्ट ढूंढ के बच्चों को उसमें ज्वाइन करना है। तो इस तरीके की स्टोरी दी गई थी इस दिन पे। एक सॉक्स दिया गया था और कुछ इस तरीके का सेटअप था, इसके अंदर से बच्चों को सॉक्स में हाथ डाल के फिर ऐसे एलिफेंट की ट्रंक बनानी थी और उसका भी प्रिटेंडेंट प्ले हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी ये थी, इसमें बच्चों को बैर का डेन बनाना था जिसमें उन्होंने इस तरीके का बैर भी दिया था जो हमें खुद क्रिएट करना था, और उसके बाद बैर को इस डेन में भेजना। पर डे उनकी एटलीस्ट 2 to 3 एक्टिविटीज़ होती है जिसमें एक एक्टिविटी क्रिएट करने की या क्राफ्ट रिलेटेड होती है, और एक एक्टिविटी होती है जो एक्टिविटी बुकलेट या एक्टिविटी शीट से होती है, और 1 मोर एक्टिविटी टीचर उनको अपनी तरफ से कुछ स्टोरी वगैरह सुनाते हैं। तो मोस्टली 2 to 3 एक्टिविटीज़ एवरी डे उनकी होती है। उसके बाद कुछ इस तरीके का उन्होंने पाइप दिया था और
लायन का फेस और ये स्ट्राइप्स और गुगली आइज दी गई थी, उसमें से बच्चे को लायन बनाना था और उसके साथ भी फिर उन्होंने प्रिटेंडेंट प्ले किया था। वन मोर डे एक इस तरीके की कैरी बैग थी और ये मंकी का फेस और ये माउथ अलग था। आईज लगानी थी बच्चे को एग्जैक्ट उस जगह पे, इसके हाथ और टेल्स भी थे जो अभी योग ने तोड़ दिए हैं, बट इस तरीके का पपेट बनाना था और फिर इसके अंदर ऐसे करके बच्चे को इस पपेट के साथ प्रिटेंड करना था और उसके साथ भी एक अलग से स्टोरी थी जिसमें ये प्रॉप उन्होंने यूज़ किया। वन मोर डे बच्चों को ये दो प्रॉप्स दिए गए थे और इससे बाइनोक्युलर बनाना था। इसके ऊपर बहुत सारे डेकोरेशंस भी किए थे शेप्स वगैरह से, बट वो योग ने निकाल दिए हैं अभी। तो ये एक एक्टिविटी थी। इसके अलावा इसमें एक जीप बनाई थी योग ने एंड ऑफ द लाइक लास्ट के दो तीन दिनों में एक जीप बनाई गई थी और फिर ऐसे प्रिटेंड एंड प्ले हुआ था कि वो लोग जीप सफारी पे जा रहे हैं और ये सारे प्रॉप्स आपको यूज़ करने हैं, कहीं मंकी लगाना है, कहीं पे लायन, कहीं पे टाइगर लगाने हैं और बच्चे को बाइनोक्युलर से देखना है कि किस तरीके से अगर वो जीप सफारी में जा रहे हैं तो किस तरीके के वो जंगल एनवायरनमेंट में होंगे और क्या क्या वो देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्ले बोर्ड एक्टिविटी हुई थी। ये सारी जगह खाली थी जिसमें बच्चे को खुद क्ले भर के एक पाथ बनाना था इन एनिमल्स के लिए। ये एक्टिविटी योग ने पर्सनली बहुत ही एंजॉय की थी, उसे बहुत मज़ा आया कि बेबी एनिमल मदर एनिमल के पास जा रहा है और ही इज़ हेल्पिंग, इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रही। उसके अलावा इस तरीके की शीट मोस्टली हर रोज़ होती हैं जिसमें पेंटिंग इंक्लूडेड है, फिंगरप्रिंट्स है, ब्रशेस है, ये सारी चीज़ें यूज़ करके पेंटिंग की जाती है या फिर इस तरीके के स्टिकर्स लगाए जाते हैं। गाइस इसके अलावा ऐसी दो शीट्स दी जाती है एनिमल सफारी की जिसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है कुछ इस तरीके की, जैसे ये बैर है, बैर को ब्राउन कलर किया है, फिर ये स्टिकर्स स्टिक करने थे बेबी लायंस के, उसके बाद ये पैटर्न्स मैचिंग की एक्टिविटी थी, अगर शायद आप देख नहीं पाओगे बट यहाँ पे ये जो स्टिकर्स है बीच में जो शाइन कर रहे हैं ये एक्चुअली अलग से थे और बच्चों को वो उस जगह पे स्टिक करने हैं आइडेंटिफाई करने के बाद। ये बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट था कि एलिफेंट हैज़ बिग ईयर्स एंड फॉक्स हैव स्मॉल ईयर्स और उस तरीके के बिग एंड स्मॉल का भी कॉन्सेप्ट उनसे क्लियर कराया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो अ स्टिकर एक्टिविटी जिसमें काउंट करने के बाद बच्चों को आउल्स लगाने होते हैं टू ईच ट्री और ये भी मंकी पेंटिंग एक्टिविटी है जो योग ने काफ़ी मेस कर दिया है, बट इसी तरीके से बच्चे सीखते हैं। ऐसी एक जनरल बुक आती है और एक दूसरी एक्टिविटी शीट बुक आती है, प्लस जो बोनस सेशंस होते हैं उनके आपको पीडीएफ मिलते हैं जिसमें कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है जो आप बच्चे से फिंगर ट्रेसिंग्स करवा सकते हो या जो भी अगले दिन पे स्टोरी या कुछ यूज़ हुआ है वही सेम स्टोरी या राइम यूज़ करके आपको एक ऐसी शीट दी जाती है जिसके अंदर से पढ़ के आपको बच्चे को पढ़ाना है या उनको कुछ सिखाना है, बट इट विल बी रिलेटेड टू द प्रीवियस डे एक्टिविटी ओनली। सो गाइज दैट्स इट, अभी फिलहाल मेरे पास एक और एक्टिविटी हुई थी जिसमें मंकीज थे और बास्केट थे और ये छोटे छोटे बनानास उन्होंने दिए थे जो मंकीज को बेबी को देना है जो भी काउंट लिखा है उस हिसाब से, और बच्चे उस हिसाब से काउंट करके मंकीज को बनाना देंगे। जो प्रॉप्स उन्होंने दिए हैं देट आर वेरी स्टडी, लाइक अभी भी मैंने इसे रखा है ताकि कुछ ना कुछ मैं रिक्रिएट एक्टिविटीज़ करके योग को करवाऊंगी, तो ये सारे प्रॉप्स मुझे यूज़ होंगे। सो दैट्स इट गाइस, अभी फ़िलहाल मेरे पास इतनी ही एक्टिविटीज़ है जो बची है, बट बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने करवाई हैं। डेली आपको मिनिमम 4 to 5 राइम्स, सॉन्ग्स, डांसिंग सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें एक सेशन में होती है जो दो तीन दिन के बाद रिपीट होती है।
और मिनिमम 2 to 3 एक्टिविटीज़ होती है जो बच्चे को वो लोग करवाते हैं, टीचर गाइड करते हैं, टीचर जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे ही बच्चे को भी करना है। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या आप घर पे ही कराना चाहते हिसाब से, तो आप ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए घर पे रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, दिस इज़ 1 month एक्टिविटी। ये एनिमल सफारी थीम था, तो आप देख सकते हैं सारी एक्टिविटीज़ एनिमल से रिलेटेड और जंगल से रिलेटेड थी। उसी हिसाब से उनकी स्टोरी बुक्स हर चीज़ें जंगल से रिलेटेड होती हैं। बट जब थीम चेंज होता है, जब अभियोग का माय बॉडी थीम चल रहा है, तो सारी एक्टिविटीज़ बॉडी पार्ट्स, हाउ कैन यू हियर, हाउ कैन यू सी, उन सारी चीज़ों पे होती है। तो बच्चे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है फ्लिंटो क्लास के लिए, या आप अपने बच्चे को कुछ नई एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं और आपको कुछ सजेशन चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई एम रेडी टू हेल्प यू हियर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।